हेलो देयर, वेलकम बैक टू फोक एंड फ्लेम। और आज बनाऊंगी चिकन चंगेजी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इस रेसिपी के मेन दो हिस्से हैं, एक है चिकन और एक है ग्रेवी। इन दोनों को अलग अलग से पकाकर मिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, और उसमें ऐड करूंगी दही। अगर दही खट्टा है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा नींबू को भी ऐड कर देंगे। तो जो लाल मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, वो ज़्यादा रंग वाली मिर्चें नहीं है, इसीलिए मुझे ख्याल आया कि चंगेजी थोड़ा सा लाल लाल होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें पिंच ऑफ रेड फूड कलर भी ऐड कर लिया था। बट इट्स टोटली ऑप्शनल, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चिकन को ग्रेवी में इसलिए नहीं पकाया जाता क्योंकि तवे का चिकन है, चंगेजी तवे का चिकन है तो ये तवे पर पकेगा। ग्रेवी के लिए प्याज को भून लेना है, एकदम ब्राउन नहीं करना, प्याज फिर से भुनेगा तो इसीलिए इसको डार्क नहीं करना। बरिस्टा को ज़्यादा इसीलिए ब्राउन करते हैं कि उसको दोबारा नहीं पकना होता, लेकिन अगर पहले से ही ब्राउन कर लूँगी और फिर बाद में पकाऊँगी तो प्याज हो जाएगा कड़वा, ओवर कुक हो जाएगा, इसीलिए प्याज को बस लाइट गोल्डन ही रखेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही लाइट ब्राउन जूसी सा प्याज बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी ऑयल में काजू को भी लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे, क्योंकि कैरी ओवर कुकिंग की वजह से खुद में ही पकना होगा इसको। अब ये जो प्याज को फ्राई किया था और जो काजू फ्राई किए थे, अब इनका बनेगा पेस्ट। पेस्ट बारीक भी हो सकता है और दरदरा भी, लेकिन बहुत दरदरा नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी थिकनिंग चाहिए तो थोड़ा सा प्याज का गाढ़ापन और काजू का टेस्ट करी में आएगा। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, इस ऑयल को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना क्योंकि इसी ऑयल में टेस्ट है। चिकन को जब मैरिनेट करेंगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे क्योंकि इसी का मज़ा है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट थोड़ी सी जेनरस अमाउंट में ऐड करेंगे क्योंकि दही डाइल्यूट करेगा, चिकन के जूसेस डाइल्यूट करेगा, तो मैरिनेशन खुद ही डाइल्यूट हो जाएगी। चिकन विद बोन लेना है, विदाउट बोन चिकन चंगेजी नहीं बनता। अगर चाहे तो अवन में भी इसको डाल सकते हैं या तंदूर में भी, नहीं तो ऐसे ही ऑयल में अच्छे से पका लीजिए। बेसिकली इसको पकाना है 50-60%, मैक्सिमम 70%, लेकिन हड्डी के पास गलना नहीं चाहिए क्योंकि तवे पर तो पूरा पक नहीं सकता, और जब इसको पूरा पकाएंगे तो तवे पर जाके ये ड्राई हो जाएगा, इसीलिए इसको ना ज़्यादा कच्चा रखना है और ना ही ज़्यादा पकाना है। ओके, तो ड्रमस्टिक्स में इस जगह पर एक इलास्टिक जैसी कोई चीज़ होती है, उसको काटना ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है कि मीट जो है वो टाइट हो जाता है, इसीलिए इस इलास्टिक को काटना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आ जाएगी जब आप ड्रमस्टिक को देखेंगी। तो अब ये जो ऑयल जिसमें चिकन को फ्राई किया था, इसको भी इसी में ही ऐड कर देंगे। चिकन चंगेजी का अब दूसरा हिस्सा यानी कि इसकी ग्रेवी को शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने एक फ्लैट पैन लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी वो ऑयल जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, इसको वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसी में ही फुल फ्लेवर है।
बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों को कुछ देर के लिए पका लेंगे। ओके, तो चिकन चंगेजी में टमाटर का पेस्ट ऐड होगा। अगर आप चाहें तो प्योरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टमाटर लेके उनको ब्लेंड करके छलनी से छान लेंगे। टमाटर को भूनने के बाद इसमें ऐड करूंगी प्रिपेयर्ड अनियन मसाला। यहाँ एक बात बता दूं कि चिकन चंगेजी में दो पार्ट टमाटर और एक पार्ट प्रिपेयर्ड अनियन मसाला ऐड होगा और यही बेस्ट प्रोपोर्शन है। चिकन चंगेजी की फिनिशिंग फ्लैट पैन में होनी चाहिए और वही असल मजा है। अब इसमें ऐड करूंगी दही। दही से इसमें रिचनेस आएगी। कुछ लोग दूध भी डालते हैं और कुछ लोग क्रीम भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्रीम से अननेसेसरी फैट आएगा। अगर टमाटर खट्टे हैं तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, और अगर दही खट्टा है तो टमाटर खट्टे नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर दोनों ही खट्टे हैं तो आप फिर क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब बारी है मसालों की। अब सब डाल दिया, प्याज, टमाटर, काजू, मसाले, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से इसको पका लेंगे। जब मसाला ऑलमोस्ट पक जाएगा और 5 मिनट की कसर होगी, तब ऐड करूंगी इसमें चिकन, क्योंकि चिकन को मसाले के साथ भी पकाना है। सब कुछ अलग था, टमाटर का मसाला, प्याज का मसाला, चिकन, सब कुछ जो ब्लेंडिंग है वो फ्लैट तवे पर ही होगी। फ्लेवर और टेक्सचर की जो ब्लेंडिंग है वो सब तवे पर ही होनी चाहिए, वो ही असली चंगेजी है। लेकिन अगर आप इसको पतीले में बनाएंगे तो वो तो बन जाएगा कोरमा। आप देख सकते हैं कि स्मूथ टेक्सचर नहीं है, एक दरदरा मसाला है, तो दरदरा टेक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। स्मूथ एंड वेलवेटी इज़ फॉर द रॉयल्स, स्ट्रीट फूड इज़ रियल फूड। चिकन को ढकना नहीं है, ऐसे खुले में ही पकाना है। ढक दिया तो फिर तवा कुकिंग कैसे हुई, फिर तो पतीला हो गया। तो अगर तवा कुकिंग है तो ऐसे ओपन में ही पकेगा। चिकन के साथ मसाला भी आना चाहिए, वरना क्या फायदा इतनी मेहनत का। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर गरम मसाले को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन रॉ, रियल और रेस्टिक इसकी खूबी है। आइडियली इसको खमीरी रोटी के साथ ही सर्व किया जाता है, क्योंकि खमीरी रोटी जो है वो फैट पी लेते हैं।
दही का जो फ्लेवर है वो परफेक्ट आ रहा है, जो खड़े मसाले ऐड किए हैं वो परफेक्ट आ रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।